नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की 21वीं वीडियो में मिल रहे हैं और ये पाठ का अंतिम चरण है। बिल्कुल आज हमारा पाठ जो दूसरा चल रहा था काफ़ी दिनों से, वो समाप्त हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बोला था, 10 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से 6 के बारे में मैं आपको कल बता चुका था। आज हम 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है अधिवृक्क ग्रंथि। देखो, कण का ही चित्र बना हुआ है और आपने इस चित्र को बनाया भी होगा और मुझे ज़रूर बताएं आप उस चित्र को बनाकर। पेपर में आए हुए डायग्राम है ये। सबसे पहले आता है इसमें अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से हमको पता चल रहा है वृक्क के ऊपर पाई जाती है। वृक्क होते हैं ना किडनी, हमारी 2 किडनी पाई जाती है हमारे शरीर में, उनमें उनके ऊपर ये पाई जाती है। इसे एड्रेनल ग्रंथि भी बोलते हैं अपन। इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और एक नॉर एड्रेनलिन हार्मोन इसमें से निकलता है, स्त्रावित करती है ग्रंथि। 2 हार्मोन मेन इसमें से एड्रेनलिन है। इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। हृदय की धड़कन, श्वसन दर, आंखों के फैलाव पर नियंत्रण करती है ये। देखो, बात ये आती है कि इस ग्रंथि का मेन काम क्या है। देखो, जब कभी हम कभी कोई टेंशन में रहते हैं या कोई हमने ऐसा कोई काम कर दिया है जिसका हमको बहुत बड़ा भुगतान चुकाना पड़ेगा या फिर बहुत बड़ा उसका पनिशमेंट अपन को मिलने वाला है, तो हमारे दिल की धड़कन अचानक से तेज होने लग जाती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊँ कि बाई चांस अपन तेज बाइक चला रहे हैं और अचानक से अपन अपने बगल में से कोई ट्रक तेजी से निकला है और हम बाल बाल बचे हैं, तो अपन प्रतिज्ञा करते हैं, मन में सोचते हैं कि आज तो बच गए हैं अपन, नेक्स्ट टाइम अपन ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम बाइक धीरे चलाएंगे। तो वो जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है और जो हमारे हृदय की धड़कन उस टाइम तेज हुई थी और जो हमारे हमारे शरीर में पसीना आया था हमारी त्वचा पर, वो सारा का सारा कौन सी ग्रंथि के कारण आया है? अधिवृक्क ग्रंथि के कारण आया है। इसीलिए इसे संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं और इस ग्रंथि द्वारा ट्रिपल एफ हार्मोन स्रावित होता है। यानी इसमें से या तो फाइट करो या फ्लाइट हो जाओ या फ्राइट हो जाओ, यानी इसमें से करो मरो लड़ो का हार्मोन इसे कहा जाता है, संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। एक शोध के अनुसार पता चला है कि 13 वर्ष से लेकर और करीबन 19 वर्ष तक की जो आयु होती है, टीनेज जो होती है, 13 to 19 जो एज होती है, उसमें ये हार्मोन कम बनता है। इसीलिए ये इस उम्र के जो युवा होते हैं वो थोड़ा सा अपने अच्छे बुरे की पहचान को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको मैं और अच्छा बताता हूँ अगली ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि आती है। थाइमस ग्रंथि हमारे सीने में पाई जाती है, वक्षस्थल में जो हृदय होता है हमारा उसके जस्ट इसके बगल में पाई जाती है। ये थाइमोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, थाइमोसिन बोलते हैं इसे, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करता है। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा विकसित है। किसमें है? छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा विकसित होती है और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है धीरे धीरे ये ग्रंथि सिकुड़ जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें ये ग्रंथि यानी बाल जैसी संरचना रह जाती है, बिल्कुल एकदम महीन संरचना बन जाती है। थाइमस ग्रंथि देखो ये रही, इस जगह पर ये थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। एड्रेनल देखो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये एड्रेनल ग्रंथि होती है। इसके बाद आते हैं वृषण। वृषण जो होते हैं एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। मैंने आपको इसके बारे में नरजननांग के टाइम भी बताया था, मैंने आपको बोला था कि जो वृषण होते हैं ये जो वृषण कोश में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये वृषण कोश में पाए जाते हैं, वहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, इसीलिए जो वृषण होते हैं ये शुक्राणुओं को बना पाते हैं। वृषण जो होते हैं ये केवल नरों में पाए जाते हैं, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और ये शुक्राणु को बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। शुक्राणुओं को बनाने में क्या करते हैं? ये सहायता करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कौन सा हार्मोन है। हार्मोन पूछ लेते हैं मेनली। कई बार मैंने आपको जब नर जननांग का चित्र बनवाया था तब भी मैंने आपको हार्मोन के बारे में मेनली बताया था कि मैंने हार्मोन याद रखना है आपको। इसके बाद बात आती है अंडाशय की। अंडाशय क्या होता है? मादा में पाया जाता है। ये भी मैंने आपको जब स्त्री जननांग के बारे में बोला था तब मैंने बोला था इसके बारे में कि आपको याद रखना है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्थापित करता है। यह मासिक चक्र, मासिक चक्र के बारे में मैंने आपको उस टाइम बोला था, रजोधर्म के बारे में बोला था। 28 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें अनिषेचित अंडे लॉली मार्ग से बाहर निकल जाते हैं
उसे मासिक चक्र बोलते हैं, ये फिक्स टाइम होता है और इसीलिए इसको चक्र बोला गया है। लैंगिक अंगों का विकास होता है स्त्रियों में, जैसे स्तनों का विकास होता है, आवाज़ का जो यानी पतलापन होता है, और क्या बोलते हैं एक तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन ही सारे कार्य करता है, जैसे कि प्रसव क्रिया के समय रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रावित करने का कार्य भी यही काम करता है, और जितने भी यानी क्या बोलते हैं स्त्रीत्व का जो विकास होता है उसे बोलते हैं लैंगिक अंगों का विकास, ठीक है, जैसे ये कार्य करता है। कौन सा हार्मोन इसमें से निकलता है, आपको हार्मोन मेनली याद रखना है, इसमें से एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होते हैं। देखिए आप चित्र पर जरूर ध्यान दें, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बोला था, मेन हमारे पास 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सबके हमको हार्मोन याद होने चाहिए, हार्मोन के साथ साथ चित्र तो मेन है ही, और अच्छा पूरी ग्रंथि का ना पूछकर आपसे एक का भी पूछ ले, जैसे कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि का चित्र बनाइए और हाइपोथैलेमस के बारे में बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताइए, पीयूष ग्रंथि के बारे में यानी उसका संरचना बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि का चित्र पूछ ले आपसे, और अंडाशय के बारे में पूछ ले, ऐसे कई प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो आज मैं आपको इस पाठ के समाप्ति पर एक होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ समय पश्चात मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। देखो प्रश्न ये है, आमाशय की संरचना व कार्य बताना है आपको, और महाशिरा का क्या कार्य है। महाशिरा के बारे में मैंने आपको बोला था, आपको मैंने जब रक्त परिसंचरण बताया था तब